हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल AJEE एग्जाम। अभी हम RCC का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन है, इन एन RCC बीम साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इफ इट्स डेप्थ एक्सीड्स, डेप्थ अगर टोटल डेप्थ एक्सीड अगर 750 mm से करता है तो हम बोथ साइड जो है साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेसिस्ट, ड्रॉप जो है प्रोवाइड करते हैं फ्लैट स्लैब में फॉर रेसिस्ट सीयर फोर्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सीयर को रेसिस्ट करने के लिए हम ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, श्रिंकेज इन अ कंक्रीट स्लैब, ऑप्शन ए है काउज सीयर क्रैक, काउज टेंशन क्रैक, काउज कंप्रेशन क्रैक, डज नॉट काउज एनी क्रैकिंग। श्रिंकेज के कारण जो है कंक्रीट में टेंशन डेवलप होता है, इससे जो है क्रैक, श्रिंकेज के कारण क्रैक होता है कंक्रीट, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काउजेज टेंशन क्रैक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ Fe 415 इन स्लैब, स्लैब में जो है HYST बार Fe 415 जो है मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.12% प्रोवाइड करते हैं, और माइल्ड स्टील Fe 250 जो है मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है माइल्ड स्टील के केस में 0.15% प्रोवाइड करते हैं, तो HYSD स्टील में जो है आंसर हो जाएगा करेक्ट 0.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट इन बीम इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप, तो मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट जो है बीम में हम प्रोवाइड करते हैं स्टीरअप के रूप में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है टू रेसिस्ट एक्स्ट्रा सीयर फोर्स ड्यू टू लाइव लोड, टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, टू रेसिस्ट प्रिंसिपल टेंशन, तो स्टीरअप जो है प्रोवाइड करते हैं, ये जो है रेसिस्ट करता है प्रिंसिपल टेंशन को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनिमम रेनफोर्समेंट इज नीडेड टू प्रिवेंट फ्लेक्सरल क्रैक ड्यू टू प्रिंसिपल टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन सेकेंड केस है इन टेंशन टू बी प्रोवाइडेड इन अ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम रिस्पेक्टली एज पर, बीम के केस में जो है कंप्रेशन और टेंशन में 4% से ज़्यादा जो है रेनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम जो है 4% कंप्रेशन और टेंशन दोनों के केस में हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टी बीम बिहेव्स एज अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड इक्वल टू इट्स फ्लैंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस, टी बीम अगर रेक्टेंगुलर बीम की तरह अगर बिहेव करेगा, अगर न्यूट्रल एक्सिस जो है विद इन फ्लैंज हो, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो है विद इन न्यूट्रल एक्सिस जो लाई करे फ्लैंज में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमेन्स विद इन द फ्लैंज, न्यूट्रल एक्सिस जो है रिमेन्स विद इन द फ्लैंज में होना चाहिए, तब हम डिजाइन जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार डेट कैन बी यूज इज, तो मैक्सिमम डाया जो है स्लैब का, मैक्सिमम डाया ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्लैब शैल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द स्लैब थिकनेस, तो स्लैब थिकनेस यहाँ पे 75 mm है, तो 75/8 इसको सॉल्व करेंगे तो 9.375 mm आ रहा है, इससे जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9.3 का डाया का जो है बार नहीं आता है, तो हम 8 mm जो है प्रोवाइड करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 mm डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कंसीडर एज अ डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन, तो डीप बीम हम कहेंगे जब L/D रेशियो इफेक्टिव डेप्थ टू ओवरऑल डेप्थ जो है लेस देन 2 हो फॉर सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पे पूछ रहा है सिंपली सपोर्टेड, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉर कंटिन्यूअस बीम के लिए जो है L/D रेशियो अगर लेस देन 2.5 हो तब हम डीप बीम कहेंगे। नेक्स्ट है, द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज
ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज, कॉलम में जो है मिनिमम रेनफोर्समेंट हम जो है प्रोवाइड करते हैं 0.8% और मैक्सिमम जो है 6%, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.8 to 6%। कॉलम में जो है मिनिमम डाया जो है हम प्रोवाइड करते हैं 12 mm, 12 mm से कम हम डाया जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटरल टाई इन आरसी कॉलम रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम आर प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट, ऑप्शन ए है बेंडिंग मोमेंट, सीयर बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स, बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड सीयर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार। पर्पस जो है लेटरल टाई का जो है कॉलम में होता है टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर बकलिंग ऑफ इंडिविजुअल बार्स, टू कन्फाइन द कंक्रीट, कंक्रीट को कन्फाइन करके रखता है जिससे जो है इसका स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी इंक्रीज करता है, उसका नेक्स्ट पर्पस होता है टू होल्ड लॉन्गिट्यूडनल बार इन पोजिशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है द क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे सीयर ऑफ रूटिंग इज एट द, ऑप्शन ए है फेस ऑफ द कॉलम, डिस्टेंस डी फ्रॉम द कॉलम फेस, डिस्टेंस डी बाई टू फ्रॉम द कॉलम फेस, तो टू वे सीयर में जो है क्रिटिकल सेक्शन जो है डिस्टेंस डी बाई टू फ्रॉम कॉलम फेस से होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन वे सीयर में जो है क्रिटिकल सेक्शन जो है डिस्टेंस डी पे होता है फ्रॉम कॉलम फेस, और टू वे में जो है डी बाई टू पे होता है।